बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबको फ्रूट ट्रे बनाना सिखाऊंगी। इफ्तारी के वक्त के लिए काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी कम पैसे में आप ये बना सकते हैं। आप ज़्यादा फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ 8 तरह के जो है फ्रूट यूज़ करूँगी। यहाँ पर पाइनएप्पल आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से काट लिए हैं, और जो ऊपर का जो खोशा है पाइनएप्पल का, वो भी मैंने ज़ाया नहीं किया, वो भी मैं यूज़ करूँगी। तरबूज जो है यहाँ पे मैंने छोटा सा ले लिया है, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है तरबूज का, तो मार्केट में सिर्फ छोटे तरबूज ही थे, तो मैंने छोटा सा तरबूज ले लिया। आप चाहे तो बड़ा वाला तरबूज भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तरबूज में ज़्यादा पानी होता है और रोज़े के वक्त में हम काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो तरबूज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो हम ज़्यादातर लोग इफ्तारी के वक्त में तरबूज लेना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद मैंने एप्पल काट लिया था और कीवी भी मैंने काट लिए थे, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने किस शेप में काटे हैं। यहाँ पर ऑरेंज और खरबूजा, इस तरह से आपने इसको काट के साइड पे रख देना है। फिर स्ट्रॉबेरीज भी मैंने अलग से ले लिए थे, अच्छे वाले। आप कोशिश कीजिए कि अच्छे वाले चुने, क्योंकि फ्रेश स्ट्रॉबेरी सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको डिज़ाइन दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने पाइनएप्पल्स रख दिए थे और उसके साइड में मैं तरबूज रख रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, मैं स्क्वायर वाला यूज़ कर रही हूँ, स्क्वायर शेप का। आप चाहे तो राउंड या कोई अदर शेप का जो आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी फैंसी भी लगेगा और काफ़ी इजी है बनाना। मेरी वीडियो में मेरी बिल्ली भी आ गई थी, क्योंकि उसको तरबूज काफ़ी पसंद है, तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा महंगा भी आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने हर फल का जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपने लेना है, हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। और ये मेहमानों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, घर वाले भी देख के इसको काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि काफ़ी यूनिक और काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी इस तरह से मैंने साइज पेपल, स्ट्रॉबेरीज, और मैंने जो है थोड़ा सी चॉकलेट भी साथ में रख दी, बिकॉज सम पीपल लाइक ईटिंग स्ट्रॉबेरीज विद चॉकलेट, सो इस वजह से मैंने चॉकलेट साइड में रख दिया था उसके। और ये है फाइनल लुक, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक इसकी आई है। तो दोस्तों, इफ्तारी के वक्त के लिए आप ये फ्रूट ट्रे ज़रूर बनाइएगा, एंड आई होप आपके घर वालों को और खास करके मेहमानों को ये फ्रूट ट्रे बहुत पसंद आएगी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा मुझे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मरतबा फिर मैं आप सबको रमज़ान मुबारक की पेशगी मुबारकबाद दूँगी। दुआ है महीना आप सबके लिए खुशियाँ और बरकतें लेकर आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।